अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजा खाकी। आज के ब्लॉग में आप सबका वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जनाब हमने एक अदद प्याज ले लिए दरमियाने साइज की और उसको हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आधा किलो गोश्त है और हम हड्डी वाला इसको हमने वॉश करके रख लिया है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे मसालों की तरफ। तो देखिए यहाँ पे है 1 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ धनिया पाउडर है, उसके बाद शाही गरम मसाला 1 टीस्पून है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है और पिसी हुई लाल मिर्च हसबे जायका है और जीरा जो है 1 टीस्पून है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून है, नमक हसबे जरूरत हसबे जायका है। अब हम बढ़ते हैं आगे दही, ये तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो दही है। और दाल की तरफ बढ़े तो दाल जो है तकरीबन जो है 1/2 किलो है और उसको हम आधे घंटा पहले जो है हमने भिगा के रख दिया था और आप देख सकते हैं भीगी हुई है। अब ये जो है आखिर का काम बघार का काम है, तो उसके लिए हमने जो है 4 से 5 अदद जो है वो हरी मिर्चें हैं जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। कसूरी मेथी जो है 1 टीस्पून है और 1 दरमियाने साइज की जो प्याज है जिसको हमने बारीक जो है कट कर लिया है। यहाँ पर जो है कड़ी पत्ता जो हमने 10 से 12 पत्ते जो है उसके हमने तोड़ के रख लिए हैं। तो ये हमारा टोटल जो इंग्रेडिएंट्स है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जनाब हमने पानी भर के जो है दाल को इस वक्त हमने चढ़ा दिया है उबलने के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि दाल उबलते हुए ना नमक डालिएगा और अगर आपका खारा पानी आता है तो बिल्कुल उससे ना दाल को वॉश करिएगा ना उसका पानी इस्तेमाल करिएगा। कोशिश करें मीठा पानी जो है वो भर के डाल दें और इसके साथ साथ जो है नमक का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा। जब दाल गल जाए तब ये नमक का इस्तेमाल करिएगा। तो जनाब इस वक्त दाल के लिए हम इसमें बस एक ऐड कर रहे हैं कि इसमें 2 चुटकी जो है वो हम हल्दी पाउडर डाल लें, ठीक है, और 2 अदद जो है वो हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, एक तो कलर के लिए और खुशबू के लिए। तो अब इसको उबलने देते हैं जब तक हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो जनाब हमने एक पतीले ले लिए, उसके अंदर 1/2 कप जो है हम तकरीबन जो है वो तेल ऐड कर रहे हैं। तो जनाब तेल हो चुका, अब इसमें प्याज जो है वो ऐड कर रहे हैं और हम इसको इतना भुनेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जनाब देख सकते हैं प्याज जो है ब्राउन हो चुके, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और इसको हम भूनते हैं अच्छे से। तो 1 मिनट की भुनाई के बाद इसमें हम गोश्त ऐड करते हैं और इसको हम अच्छे से भूनते हैं। तमाम मसाले जो है ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे, अब हम इसकी भुनाई करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जनाब इसकी हम इस वक्त अच्छे से हम बुनाई कर रहे हैं। हम इस वक्त इसकी भुनाई कर रहे हैं और जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता जब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो जनाब आप देख सकते हैं कि तेल इस वक्त सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 गिलास के बराबर, ताकि गोश्त जो है वो हमारा गल जाए। तो अब गोश्त गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तकरीबन हमने 1 चम्मच के करीब जो हमने इसको पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको धीमी आंच पे जो है ढक के पकाएंगे जब तक गोश्त गल ना जाए, तो फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो जनाब दाल इस वक्त हमारी अच्छे से गल चुकी है, लेकिन अब हमें इसमें लगाना है गोटा। तो अब हम लगाते हैं इसमें गोटा। आप देख सकते हैं कि दाल को हमने अच्छे से घोट लिया है और अब चूंकि हमारा गोश्त भी एक तरफ चढ़ा हुआ था वो भी तकरीबन हो गया होगा, चले अब हम उस तरफ भी चलते हैं। तो जनाब गोश्त जो है इस वक्त बेहतरीन जो है वो गल चुका है और तो जनाब आप देख सकते हैं कि ये गोश्त जो है तकरीबन जो है वो गल चुका है इस वक्त, क्योंकि अभी हमें दाल के साथ ही इसको पकाना है।
तो इस पोजीशन पे अब हम जो है दाल ऐड करेंगे। तो जनाब अब हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं, जबरदस्त इसको हमने दाल को देखें ऐड कर दिया है। अब हम इसको धीमी आंच पे फिर हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मजीद। तो जनाब आप देख सकते हैं कि ये सब दाल जो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर पका लें तो पतली रहेगी, और गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा और इसको ढक के, लेकिन इस पोजीशन पर दाल बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर अब जो हम कसूरी मेथी जो है उसका हम इसमें ऐड करते हैं। तो जनाब हम इसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर रहे हैं और हम इसको ढक देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है थोड़ी सी हो जाए। तो भाई 2 मिनट के बाद हमने जब ढकना हटाया, खुशबू बहुत जबरदस्त लग रही थी। अब जो है इस पोजीशन पे जो है अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जनाब इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने अपनी दाल और गोश्त का जो है वो उसको निकाल लिया है। अब हम इसमें जो है बघार, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस तरफ चलते हैं। हमें बघार देना है दाल को, तो अब हमने उसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है हमने तेल ले लिया। तो जनाब सबसे पहले इसमें मिर्चें जो है वो ऐड होंगी। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन खुशबू आ रही है, और इसके बाद और भी चीजें जो इसमें डलेंगी बघार के लिए वो भी दिखाते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, तो जैसे कि आपको मैंने कहा कि बघार हमेशा उस वक्त लगाते हैं जिस वक्त आप डाइनिंग पर मतलब खाना खाने बैठ रहे हो, तो उस वक्त जो है बस आपने बघार तैयार करना है और उसको ऐड करके और डायरेक्ट टेबल पे लेके जाना है। उससे ये होता है कि इसको खुशबू और एक कलर जो है ना उसका बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इस पोजीशन पर हम कड़ी पत्ता जो है वो ऐड करेंगे। अब 1/2 टीस्पून जो हमने सब किसी भी लाल मिर्च ले ली, हम उसको इसमें ऐड करेंगे और हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। ये आपका बघार जो है बिल्कुल इस वक्त रेडी हो चुका है, और अब हम चलते हैं दाल की तरफ। तो जनाब जबरदस्त, तो जनाब हमने डिश आउट कर दिया था और उसके बाद हमने बघार इस पे डाला, और आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त जो है इस वक्त वो दाल लग रही है, और उसका कलर भी आप देखें, पहले का कलर आप देखते हैं और अब का देखें आप, और खुशबू बेहतरीन जबरदस्त। तो उम्मीद करता हूं ये चना दाल गोश्त की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको दाल कैसी लगी, और घर में ट्राई करें आप, लाजमी बताइएगा। बन गया चना दाल गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान था, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगी। और उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।